फ्रेंड्स, वेलकम टू अच्छा नॉलेज कलेक्शन। मेरा नाम है जगदीश। मेरा नाम है मनोज। आज जो वीडियो देखने वाले हैं वो काफ़ी स्पेशल है। आज इमरान खान का इंटरव्यू देखने वाले हैं हम, वो भी इंडिया में। जब वो इंडिया आए थे तब उन्होंने एक न्यूज़ चैनल पर उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया था, तो वो उस समय देख नहीं पाया था। तो उस समय उनके क्या व्यूज़ थे। राजेश शर्मा ने वो इंटरव्यू लिया था और काफ़ी तेज सवाल करते हैं वो, कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई भी इंसान, कोई भी सेलिब्रिटी हो, कोई भी हो, काफ़ी तरीके सवाल पूछते हैं। तो देखते हैं कि उन्होंने इमरान खान ने उनको कैसे फेस किया और कैसे उनके सवालों के जवाब दिए, तो मुझे देखते हैं। तो आज हेडफोन लगा के देखते हैं स्पीच। ईयरफोन ओके। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में हर हफ्ते हम पेश करते हैं आपकी और हमारी दुनिया के ऊंचे लोगों को, बड़े लोगों को। हम नेताओं से उनके काम की सफाई मांगते हैं, सेलिब्रिटीज से, स्टार से उनके काम का हिसाब किताब मांगते हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं। और जब कोई स्टार नेता बन जाता है, सियासत में उतरता है, तो मुकदमा और भी संगीन हो जाता है। पेश है आज का मुकदमा आपकी अदालत में। पाकिस्तान की तहरीके इंसाफ पार्टी के चेयरमैन इमरान खान आपकी अदालत में हाजिर हो। अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। शुरू होता है आपकी अदालत में पहला इल्जाम इमरान खान पर। आपकी अदालत में इमरान खान पर इल्जाम है कि इनके डबल स्टैंडर्ड हैं। इमरान साहब, जो खबरें पाकिस्तान से यहाँ तक पहुँचती हैं उससे पता चलता है कि आजकल नौजवानों को बहुत उपदेश देते हैं, प्रीच करते हैं कैसे फैमिली वैल्यूज पर ध्यान देना चाहिए। ये बात सही है? कभी कभी। लेकिन आप जो लोगों को बताते हैं वो अपने ऊपर तो आपने इम्प्लीमेंट किया नहीं। जब आप नौजवान थे तब आपने क्या क्या हरकतें की थी, जब आप लंदन में रहते थे उसका चिट्ठा तो लोगों को मालूम ही होगा। देखिए, इसलिए मेरी तरह का आदमी ज़्यादा बेहतर बता सकता है, क्योंकि जिसने कभी ना मगरब देखा हो, ना उसने किसी फेज से गुजरा हो, वो कैसे लोगों को बता सकता है। मेरी तरह का आदमी जिसने सारे फेजेस देखे, जिसने मगरब के कल्चर को बड़े करीब से देखा, जो मगरब में अपनाया गया, और जिसने फिर दो कल्चर को एनालाइज किया, उनकी ताकत देखी, उनकी कमज़ोरियाँ देखी, तो मेरी तरह का आदमी ज़्यादा क्वालिफाइड है नौजवानों को बताने के लिए कि उनको किस चीज़ से बचना चाहिए, किस चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए। एक बंदरों की तरह किसी और कल्चर को कॉपी नहीं करना चाहिए। तो ये मेरे से, मैं समझता हूँ, नौजवान ज़्यादा सुनेंगे बजाय उसके जिसको पता ही नहीं। मगर लेकिन आपको भी बताया था, जब आप लंदन जा रहे थे 20 साल की उम्र में, तो आपकी माँ ने आपको कहा था कि बेटा ये जो गोरी मेम है इनसे दूर रहना। मेरी वालदा ने सिर्फ ये कहा था कि पाकिस्तानी औरत से शादी करना, और वो इसलिए उसने कहा था कि वो, मेरी वालदा चाहती थी मैं पाकिस्तान में रहूँ। उनको ये ख़तरा था कि अगर मैं इंग्लैंड में शादी करता हूँ तो मैं अपना मुल्क छोड़ के इंग्लैंड इसलिए चला जाऊँगा क्योंकि मेरी बीवी पाकिस्तान में नहीं रह सकेगी। लेकिन हुआ ये कि हर रोज़ आपका जो घर है वो डिस्कोथीक बन गया था, एक तरह का लिविंग रूम, वहीं रहते थे। जो टी शर्ट पहनते थे उस पर लिखा होता था बिग बॉयज़ प्ले एट नाइट। मेरा लिविंग रूम डिस्कोटेक कभी भी नहीं बना, और बिग बॉयज़ प्ले एट नाइट की टी शर्ट, वो असल में हम उन दिनों में वर्ल्ड सीरीज़ क्रिकेट खेलते थे कैरी पैकर की ऑस्ट्रेलिया में, वो हमें सबको उन्होंने वो नाइट क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए उन्होंने टी शर्ट दी। लेकिन बहुत सारी ऐसी हरकतें थी जो टी शर्ट पर लिखी नहीं होती थी। देखिए, ये तो अब आपका जो इमेजिनेशन है ये ज़्यादा आगे जा रहा है। जो भी हरकतें होंगी, कोई ऐसी, मैं एक नॉर्मल अपने ज़माने का नौजवान था,
और कभी अपने आप को ये नहीं समझा कि जो मैं कोई प्ले बॉय हूँ या ये मीडिया में, लेकिन आपकी मजबूरी होती है, आप मीडिया में आपको प्रोजेक्ट करना होता है, आपको चैनल्स अपने लोगों को दिखानी होती हैं, अखबार बेचने होते हैं। ये खबरें छपती थी, आपको बहुत मज़ा आता था। मैं ये देखो, ये मैं कभी नहीं कहता कि मैं फरिश्ता था, लेकिन मैं कुछ तो माना आपने, नहीं कुछ तो माना जी। बहुत सारे नाम आपके साथ ब्रिटिश मीडिया ने जोड़े थे, बहुत लंबी लिस्ट है। एमा सर्जेंट का नाम आपके साथ जुड़ा, लुलू ब्लेकर का नाम आपके साथ जुड़ा, सूसन का नाम आपके साथ जुड़ा, गोल्डी हॉर्न फिल्म स्टार का नाम आपके साथ जुड़ा, मेरी हल्किन का नाम आपके साथ जुड़ा, आपको याद आ रहे होंगे कि करके ये सब, लिजा कैम्बल का नाम आपके साथ जुड़ा, टीवी स्टार अनास्तासिया कुक, एमटीवी की क्रिस्टीन बेकर। अब कुछ तो सच होगा अगर इतने सारे नाम दिए हैं तो। ये तो भी आपने थोड़े गिने। और ये वो नाम है जिनको किसी को भी मैं जानता था, वो आपने सारे नाम डाल दिए। मैं इसलिए कहा इससे ज़्यादा लोगों को मैं जानता था। और इसी बिना पर जो कर्नल नसीम है पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के, उन्होंने कहा कि हर शाम इनकी एक नई लड़की के साथ गुजरती थी इमरान की। ये कर्नल नसीम अपनी फैंटसीज मेरे जीरे रहने की कोशिश कर रहे थे, उनकी उनकी ये फैंटसी होगी। इसमें सच्चाई नहीं है, कोई और ठोस कोई सही इल्ज़ाम लगाएंगे, क्या इल्ज़ाम लगा रहे इमरान साहब? ये सब वो इल्ज़ाम हैं जो मीडिया में आपके ऊपर लगते रहे, पाकिस्तान की मीडिया में आप पर लगते रहे, ब्रिटेन के मीडिया में आप पर लगते रहे। मैं एक बैचलर था, ज़्यादा क्रिकेट खेलता था, शादी नहीं थी, उस पर स्पेकुलेशन होती थी किसी पार्टी में चला जाऊं, किसी से नज़र आ जाऊं, तो ये सारी चीज़ें जो आप नामों की लिस्ट दी है, इसके इसको क्या आदमी डिफेंड करे अपने आप को? लेकिन ये बात और मैं और ये इतनी पुरानी आप बातें कर रहे हैं कि ये मेरे मैं तो भूल भी चुका हूँ ये सब चीज़ें। कभी ना कभी किसी को तो याद दिलाना पड़ता है इमरान साहब। मेरा तो एक शादी से पहले का फेज़ था जो मैं भूल चुका हूँ, उसके बाद शादी के बाद का फेज़ है, उसको वो मुझे याद है, उसके ऊपर कोई बात करें। इमरान साहब, आपकी क्रिकेट को लेकर हमारे पास इल्ज़ाम है, इन पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद में। ये मुकदमा जारी रहेगा एक छोटे ब्रेक के बाद। तो ये था इमरान खान की जो इंटरव्यू था, उसमें काफ़ी उन्होंने फनी क्वेश्चन किए हैं और काफ़ी पर्सनल अटैक किया उन्होंने, काफ़ी पर्सनल सवाल किए हैं उन्होंने कि यार कि क्या बोले मतलब उनकी जो लाइफ थी, चलो है स्मार्ट है लेकिन तो वाकई में कुछ ये तो वही होगा, और लोगों ने काफ़ी उनके इल्ज़ाम भी लगाए थे, उन्होंने बहुत बारीकी से सलीके से सारे क्वेश्चन को नेगलेक्ट कर दिया, कुछ बोला भी नहीं, सिंपल सा सवाल जवाब दिया कि मेरी लाइफ है वो शादी के बाद कुछ और, पहले कुछ और रही होगी, मैं तो भूल गया हूँ, याद ही नहीं है। तो स्मार्ट क्योंकि राजेश शर्मा पकड़ते बहुत भारी है। तो ये था उनका, तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। आपकी अदालत में आज कटघरे में मौजूद हैं पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ पार्टी के चेयरमैन इमरान खान। आपकी अदालत में इमरान खान पर इल्जाम है कि इन्होंने क्रिकेट का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। इमरान साहब, ये सही है कि क्रिकेट ने आपको सुपरस्टार बनाया, जनता ने आपको बहुत प्यार दिया, नौजवानों ने एक तरह से गॉड ऑफ क्रिकेट खुदा समझा आपको, लेकिन आपने क्रिकेट के लिए क्या किया? क्रिकेट के लिए जब मैं प्लेयर था कोशिश की टीम को जिताने के लिए, जब मैं कैप्टन बना तो मुझे बड़ा फ़ख्र है इस चीज़ में कि पाकिस्तान टीम जब मैं छोड़ के गया तो पाकिस्तान की बेहतरीन टीम थी और वो वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम थी, और जो वो 92 के बाद टीम थी वो दुनिया में उस वक्त नंबर वन टीम, टैलेंट के अंदर वो दुनिया की नंबर वन टीम थी। लेकिन जो आपके साथ खेलते थे उन्होंने कहा कि इमरान खान ने क्रिकेट में जो अपना करियर था उसका इस्तेमाल सिर्फ अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए किया, अपने अपना डोमिनेशन क्रिकेट पर बढ़ाने के लिए किया। मैंने 1987 के अंदर मैंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी, और उसकी वजह यह थी कि मैं जो मेरा जो आग थी, जो जुनून था क्रिकेट में, वो ख़त्म हो गया था, यानी कि वो उस सतह पर नहीं था
तो मैंने सोचा कि मैं अपनी पीक पे छोड़ूं, बजाय इसके कि मुझे कोई निकाल दे टीम से, मैं जब पीक पे हूं तो मैं क्रिकेट छोड़ूं। उसके बाद जनरल ज़िया ने मुझे पब्लिकली रिक्वेस्ट की कि टीम के अंदर वापस आओ, टीम को ज़रूरत है। तो मैं फिर टीम के लिए वापस आया और उसके बाद फिर मैं क्रिकेट छोड़ने का सोच रहा था, लेकिन तब तक मैंने कैंसर हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट शुरू किया। तो कैंसर हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट के जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने जो हमारे साथ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स थे, उन सब ने मुझे कहा कि अगर आप क्रिकेट से इस वक्त निकल जाएंगे तो आप इस हॉस्पिटल को बना नहीं सकेंगे, क्योंकि इसके लिए आपको पब्लिक आय में रहना है, आपको पैसे इकट्ठे करने हैं, और अगर आपके पास आप पब्लिक आय से निकल गए तो हम हॉस्पिटल के लिए जो इतना ज़्यादा 70 करोड़ रुपया इकट्ठा करना था आप नहीं कर सकेंगे। लिहाजा उसके बाद मैं सिर्फ क्रिकेट खेला कैंसर हॉस्पिटल के लिए। जावेद मियादाद की किताब है ऑटोबायोग्राफी, उसमें उन्होंने लिखा है कि जो प्लेयर्स हैं उन्होंने इमरान साहब का नाम मीटर रख दिया था, यानी वो मीटर जो सिर्फ पैसे से चलता है। एक्चुअली तो उल्टा हुआ बात, ये जो आप कह रहे हैं मीटर की, कि असल में तो टीम जो 3-4 लड़के थे इसमें जो जिनको पैसे की लालच कईयों को ज़्यादा होती है कईयों को कम होती है, उनका ये ख्याल था कि वर्ल्ड कप में जो लोगों ने खुशी में पैसे देने थे टीम को, वो टीम के पैसे मैं हॉस्पिटल में ना ले जाऊं। दो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए, एक तो इल्ज़ाम ये कि जब मैच ख़त्म हुआ तो जो जीत थी, खुशी थी, जो खुमार था, उसके में आपने इस्तेमाल किया अपने कैंसर हॉस्पिटल को पब्लिसिटी देने के लिए। उस वक्त जो आपने स्पीच दी उसमें कहा कि मुझे कैंसर हॉस्पिटल के लिए मदद चाहिए। इसमें तो मुझे कोई शर्म है ही नहीं, क्योंकि मैं तो आपको अर्ज़ की कि मैं तो खेल ही हॉस्पिटल के लिए रहा था, और हॉस्पिटल नहीं, ज़ात का हॉस्पिटल तो नहीं था, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का वाहिद कैंसर हॉस्पिटल बनना था, तो मैं तो अपने मुल्क के लिए कर रहा था। तो मुझे तो इसमें कोई शर्म नहीं कि मैंने पब्लिसिटी दी, मैंने तो 2 साल से पब्लिसिटी दे रहा था। मैं तो जब कोई प्राइज जीतता था मैं वो अपने हॉस्पिटल को देता था। मसलन ऑस्ट्रेलिया में मैं 2-3 साल पहले क्रिकेटर ऑफ द ईयर बना पाकिस्तान टीम के लिए खेलते हुए, तो जान के मैंने क्रिकेटर ऑफ ईयर का जो गाड़ी का अवार्ड था वो हॉस्पिटल को डोनेट किया उसको प्रोजेक्ट करने के लिए। आप अपने अवार्ड हॉस्पिटल को दे दें, किसी को आपत्ति नहीं थी, लेकिन जो प्लेयर्स हैं उनको लगा कि जब लौट रहे थे वापस सिंगापुर में रुके, सिंगापुर के एम्बेसडर ने एक चेक दिया, वो पूरी टीम के लिए चेक होना चाहिए था, उसने आपको भी, आपने उसको भी हॉस्पिटल में लगा दिया। जब मुझे ये ख्याल हुआ कि कई हमारे खिलाड़ियों में ये खदशा है कि मैं टीम का पैसा हॉस्पिटल में लगा रहा हूँ, तब मैंने फैसला किया उसके बाद क्रिकेट ख़त्म करने का, क्योंकि उसके बाद मेरी तो फोकस हॉस्पिटल था और मैं तो क्रिकेट खेल ही रहा था और ये अनाउंस करके खेल रहा था हॉस्पिटल के लिए। तो इसमें तो कोई, लेकिन ये कहना कि मैं लड़कों का पैसा हॉस्पिटल में लगाऊं, ये तो कभी किसी सूरत में नहीं कर सकता था। और ये जो आप सिंगापुर की बात कर रहे हैं, वो एम्बेसडर अभी भी है, अब सिंगापुर में नहीं है, इस्लामाबाद में है, उसने पैसे ही हॉस्पिटल के लिए इकट्ठे किए थे। लेकिन लड़कों को इम्प्रेशन ज़रूर लगा कि वो पैसा टीम के लिए था। कई लड़के लालची होते हैं और उनको ये पैसे के भूखे होते हैं, मैं ये कहूँगा। बदकिस्मती ये है कि उन्होंने अपनी लालच के अंदर ये समझा कि मैंने उनका पैसा हॉस्पिटल को दिया, बिल्कुल गलत था। उन्होंने अपनी किताब में ये भी लिखा है कि आपने बोर्ड ऑफिशियल्स के साथ मिल करके उनको क्रिकेट की कैप्टनशिप से हटवा दिया। ना मैं बोर्ड में ऑफिशियल थी, ना मैं बोर्ड का मेम्बर था, क्या मैं बोर्ड को कह के उसको कैप्टन हटा सकता था? ये भी एक पैरानोया था और ये बदकिस्मती है कि मियादाद ने इस तरह की बातें लिखी। हालांकि मेरे साथ मिलके वो हमारी बड़ी ज़बरदस्त हमारा कॉम्बिनेशन था, जावेद की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है टीम में, लेकिन ऐसी बातें लिखना, मैं हैरान हूँ कि उसने किताब में ऐसी एक बड़ी उन्होंने स्पेसिफिक बात लिखी है कि इमरान खान ने हमारी टीम को तोड़ने की कोशिश की। जब आप कैप्टन थे तो आपने एक पार्टी की लंदन में, उस पार्टी में उन्होंने, आपने 3 लोगों को नहीं बुलाया, जावेद मियादाद को, रमीज़ राजा को और सलीम मलिक को, इनको छोड़ करके बाकी सारी टीम को आपने बुलाया। देखे ना, ये भी एक छोटा पान है, अगर इस तरह भी कोई सोचे कि टीम इस तरह टूट जाती है कि पार्टी में 4 लड़के कोई चले जाएं किसी और पार्टी में, तो टीम टूट जाती है उससे। लेकिन आज आप मानते हैं कि आज के क्रिकेटर्स में, चाहे वो हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में, क्रिकेटर्स का ज़्यादा ध्यान एंडोर्समेंट पर, एडवर्टाइजमेंट पर रहता है बजाय इसके कि खेलने पर? अगर प्रोफेशनल क्रिकेटर है तो अगर वो एडवर्टाइजमेंट्स कर रहा है, स्पॉन्सरशिप कर रहा है, लेकिन अगर वो अपनी क्रिकेट के ऊपर भी फोकस्ड है तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। सौरव गांगुली ने 5 दिन टेस्ट मैच नहीं खेला ये कहकर के उनको चोट लगी हुई है, लेकिन
मुंबई में वो थे और किसी एड की शूटिंग कर रहे थे। देखिए अब ये क्रिकेटर्स को ऐसे इल्ज़ाम तो लेने पड़ते हैं। मैं मुझे याद है मैं जब पहली दफ़ा हिंदुस्तान आया क्रिकेट टूर के साथ तो मुझे यही रिब इंजरी हो गई और मैं अपनी तब सब पीक पे था यानी कि जब अपनी सबसे तेज़ तरीन बॉलिंग कर रहा था तो क्योंकि मैं खेल नहीं सका तो मेरे ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगे कि जनाब ये रात पार्टीज कर रहा था ये हिंदुस्तानी एक्ट्रेसेस के साथ इसके दोस्ती थी ज़ीना तमान के साथ आपका नाम जुड़ा वगैरह वगैरह तो उससे मुझे इतना मैं हैरान रह खैर तब मैं अब तो पॉलिटिक्स में रह के अब इंसान को किसी किस्म की तनकीद का फ़र्क पड़ता नहीं है लेकिन उन दिनों में मैं अभी भी मैं हैरान रह गया जिस तरह की चीज़ें लिखी गई कि लोगों ने कहा हमने खुद उसे पार्टी पे देखा सुबह के 5 बजे तक जागा हुआ था शराब पी रहा था हालांकि मैंने ज़िंदगी में कभी शराब नहीं पी। तो इस तरह के इल्ज़ाम लगते हैं स्पोर्ट्समैन को फेस करना पड़ता है। आप जब अच्छा करते हैं सारी आप जाए रात सारी रात जागे रहें पार्टीज़ करें वो सब कुछ भूल जाता है लोगों को। जब आप बुरा करते हैं आपने चाहे कोई गलत काम किया हो या ना किया हो वो इल्ज़ाम लग जाते हैं। ये स्पोर्ट्समैन को फेस करना पड़ता है। और जब इल्ज़ाम ऐसे लोगों से लगते हैं जो अपने साथी रहे हों अपने कुलीग रहे हों तब कैसा लगता है? कई दफ़ा इसका ये जो आपने मुझे अभी मैंने जावेद की किताब नहीं पढ़ी लेकिन ये जो आपने चीज़ें बताई हैं ज़ाहिर है इसका अफसोस होता है क्योंकि एक आपके साथ कोलीग 15-17 साल क्रिकेट खेलता है और वो इस तरह की छोटी बातें लिखता है तो इसका तकलीफ़ होती है लेकिन खैर इंसान को एक्सेप्ट करना पड़ता है। हर इंसान की अपनी सोच है। एक और आपके साथी रहे हैं सरफराज नवाज़ वो तो लगातार आप पर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। उसकी देखें एक कुरान शरीफ में एक आयत है हमारी किताब जो है मुसलमानों की उसमें आयत है कि अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात पैदा किया यानी कि सब मखलूक से अजीम लेकिन जब वो इंसान गिरता है तो वो जानवरों से भी नीचे चला जाता है। ये जानवरों से नीचे चला गया सरफराज नवाज इसके लिए ऊपर मैं नहीं आगे बात करता। दो उन्होंने हाल ही में इल्ज़ाम तो वो आपके ऊपर 10 साल से लगा रहे हैं लेकिन हाल में उन्होंने दो इल्ज़ाम लगाए हैं जिनका जिक्र करना चाहता हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि जितना पैसा आपने हॉस्पिटल के लिए इकट्ठा किया उसमें से 10 हॉस्पिटल बन सकते थे आपने बनाया एक और 9 का गायब। इसका मतलब ये अपना जहन जो इसका है ना वो बता रहा है। इसका मतलब ये कि अगर ये हॉस्पिटल बनाने के लिए पैसे इकट्ठे करता इसने 10वां हिस्सा हॉस्पिटल में लगाना था बाकी खुद रख लेना था। वो आपने वो अंग्रेजी में एक्सप्रेशन सुना है ना कि इट टेक्स अ थीफ टू कैच अ थीफ मतलब कि चोर की सोच चोर की तरह होती है तो वो अपनी तरह क्योंकि वो चोर की तरह सोच रहा होता है तो वो फिर उसकी मूव्स कर सकता है तो ये अपनी सोच बता रहा है कि इसकी क्या सोच थी। एक और इल्ज़ाम उन्होंने लगाया उन्होंने कहा कि आपने जो हॉस्पिटल बनाया ये इसलिए बनाया कि जो जूश फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो आपके फॉर्मर इन लॉज की कंपनीज हैं वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना चाहती थी कैंसर की दवाएं बनाने के लिए वो इंसानों पर वो एक्सपेरिमेंट हो और वो आपके हॉस्पिटल में हो इसलिए इस हॉस्पिटल पर इतना पैसा खर्च किया गया। मैंने कहा ना कि जानवरों की सतह से नीचे जा चुका इसके ऊपर अब आप इसके लिए कोई ये अंग्रेज़ी में कहते हैं ना गॉन केस है इसके ऊपर आगे कोई बात ना करें क्योंकि ये बेवकूफ़ आदमी है और बेवकूफ़ के अलावा इसमें ये बदनीयत आदमी है। ये बात क्रिकेट की थी इमरान साहब। सियासत में आपने क्या क्या किया उसको लेकर के हमारे पास इल्ज़ाम हैं इमरान खान से सफाई मांगेंगे एक ब्रेक के बाद। हाँ तो ये था उनके क्रिकेट के बारे में बोला गया ना तो मतलब उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल के लिए खेलना शुरू किया ये तो अच्छा काम किया उन्होंने और मतलब सारा पैसा उसमें लगाया और उसके बाद एलिगेशन लोग लगते ही हैं काफ़ी सारे लोग जब कोई क्रिकेट खेलता है या कोई स्टार हो जाता है या कुछ अच्छा काम करता है तो ये सोचता है कि यार नहीं ये पैसे कमाने के लिए कर रहा है ये उसमें थोड़ा दिखाएगा थोड़ा उसमें और बाकी कमाएगा तो चलो ये बातें तो होती रहती पर हाँ बहुत सफाई से उन्होंने जवाब दिए और अपने कलीग जो साथी खिलाड़ी हैं जिन्होंने उन पर इल्ज़ाम लगाए तो उनको भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो उन्होंने कंडम किया तो ऐसा होना भी चाहिए अगर आप पॉलिटिक्स में हो और कंट्री को लेकर साथ में चलना है तो काफ़ी सारे आपको बातें सुननी पड़ती है यह गलत है पर उसको एक संयम के साथ एक उसको झेलना पड़ता है और उसके हिसाब से उसका जवाब देना पड़ता है क्योंकि आपको कंट्री के बारे में सोचना है उसको आगे बढ़ाना है। आप लोगों की बातें सुन के वो काम छोड़ दें और फिर कुछ नहीं करें तो आपकी जो अच्छी थॉट है वो इम्प्लीमेंट नहीं होती है वो धरातल पे नहीं आती है सतह पे आती नहीं है वो
फिर वो आपके अच्छा काम हो रही रहता है, लोग अच्छा काम करने नहीं देते, काफ़ी सारी बोली आती है और वो लाइन अच्छी लगी, वो चोर जैसा सोचता है वो वैसे ही करता है, तो उन्होंने ये बात बोली। तो चलो आगे वीडियो देखते हैं।